नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं साप्ताहिक करंट अफेयर 4 मई से 10 मई 2020 तक। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिण द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ऑप्शन हमारे चीन, नेपाल, जापान या रूस। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है चीन। तो आइए अब जो चीन के बारे में कुछ थोड़ा जाने। तो यह जो है प्रक्षेपण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो कार्यक्रम है उनका एक अहम पड़ाव है, और यह वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का जो है संचालन करने तथा चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की जो योजना बना रहा है। और उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने जो है सबसे पहले चंद्रमा पर जो है मानव को भेजा था। तो अब जो है चीन ये जो है जो अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पर जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जो है योजना बना रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यक्रम जो है कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन हमारे आकाश, गरुड़, कोयल या नमन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, गरुड़। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत जो है कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जो गरुड़ नाम से एक जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आइए कुछ विशेष जानते हैं इसके बारे में। तो गरुड़ का जो पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर लीफ यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ जो पोर्टल है ये COVID-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु जो है केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। और नागरिक विमानन महानिदेशालय जो DGCA नागरिक उड्डयन सिविल जो एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है, और यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन और विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये जो है गरुड़ पोर्टल नाम से जो है सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस संस्था के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों के अंतरिक्ष स्थापन हुआ है? तो ऑप्शन हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य एवं कृषि संगठन या विश्व बैंक। तो राइट आंसर हमारा बी, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो आइए जाने इसके बारे में। तो जो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम ये जो रिपोर्ट है लॉस्ट एट होम, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का अंतरिक्ष रूप से जो है विस्थापन हुआ है, और विस्थापित लोगों में 12 मिलियन जो इसमें बच्चे हैं और लगभग जो 3 मिलियन बच्चों का जो विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि जो 2 मिलियन हैं उनका विस्थापन जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया है। तो इस जो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में जो प्राकृतिक आपदाओं संघर्ष और हिंसा के कारण जो 5 मिलियन से अधिक लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। तो वर्ष 2019 में भारत में जो आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है, और उसके बाद जो भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलीनियर्स लिस्ट 2020 जारी किया है,
और इस लिस्ट में जो पहले स्थान पर है ये कौन है? तो ऑप्शन हमारे साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल या मुकेश अंबानी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, अंबानी। तो जो फोर्ब्स ने जो ये लिस्ट जारी की है बिलियनियर्स की 2020 की, तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी का स्थान है। और आइए जानें इनके बारे में। तो जो मुकेश अंबानी है, इस सूची में रिलायंस इंडिया के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, ये 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अपने पहला स्थान जो है रखे हुए हैं। और वे मौजूदा समय में भारत के सर्वाधिक जो है सबसे अधिक अमीर व्यक्ति हैं। और हालांकि मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति में बीते वर्ष के मुकाबले में जो है अब ये जो कोरोना महामारी है इसके कारण जो है 13.2 मिलियन डॉलर की जो कमी आई है, किंतु इसके बावजूद भी वे जो है पहले स्थान पर ही हैं। और वहीं स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद जो भारतीय व्यवसायी राधा कृष्ण दमानी है उसे वो जो 13.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आने वाले एग्जाम है इसके लिए जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, और इसकी जो ये इस वीडियो की जो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को जो है मंजूरी दी है? तो ऑप्शन हमारे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 1,500 या 700 रुपये। तो जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है इसके तहत जो है 500 रुपये कि जो राशि है ये जो मजदूर वर्ग में है, BPL वर्ग में है, उनकी जो है खाते में सरकार के द्वारा डाली गई है। तो ये जाने इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है इसके तहत 3 किस्तों में 500 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त भी जारी की गई है। इस योजना की जो पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के तहत पंजीकृत थे। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो है एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो जिसे साल 2014 में जो लॉन्च किया गया था। जो ये योजना है ये 2014 में चलाई गई थी। और जो अब जो मोदी सरकार है ये जो मजदूर वर्ग है इनकी जो है अकाउंट में 500-500 रुपये जमा करा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? ऑप्शन हमारे DRDO, इसरो, SSC या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है DRDO। तो जो DRDO संस्था है इसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र में की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर को जो है विकसित किया है। आइए जाने अब इसके बारे में। तो जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है ने एक पराबैंगनी डिस इंस्पेक्शन टावर का जो है विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत ही जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। और मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। दोस्तों ये जो आपको याद रखना है कि ये इसका जो नाम है यूवी ब्लास्ट, इसका जो नाम रखा गया है। और इसका जो विकास है DRDO की दिल्ली में स्थित प्रयोगशाला, उसका नाम लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेंटर है उसने किया है। और यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उनको संक्रमित करने के लिए जो है ये कारगर है। और यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि का भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार जो है साबित होगा। तो दोस्तों ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि जो आने वाले एग्जाम है इसमें आने इनमें जो है इनकी आने की पूरी पूरी जो है संभावना होगी। तो उनको आपको आपने जो है अच्छे से याद करना है।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का जावर्स का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? ऑप्शन हमारे रॉस टेलर को, कोयले जेम्सिन को, मिचेल सेटनर को या टीम साउदी को। तो राइट आंसर हमारा रॉस टेलर। तो रॉस टेलर को जो है ये जो अनुभवी बल्लेबाज है न्यूजीलैंड के को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। आइए जानें इनके बारे में। तो जो रॉस टेलर है इसने जो है तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है, 2020 और टेस्ट और वनडे। इन इन इस तीसरी बार जो है सर रिचर्ड हेडली मेडल जो इनको प्राप्त हुआ है। और टेलर जो इस सत्र में स्टीवन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। इसके अतिरिक्त वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले जो विश्व के पहले खिलाड़ी भी बने हैं। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि रॉस टेलर का संबंध किससे है, क्रिकेट से है, कहाँ के हैं ये। तो ये न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी हैं और इनको जो तीनों प्रारूपों में जो है मिला है। और रॉस टेलर ने जो न्यूजीलैंड के लिए 232 वनडे, 100 2020 और 101 जो है टेस्ट मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के चा खाओ अर्थात काले चावल को जो भौगोलिक संकेत है जीआई टैग मिला है? ऑप्शन हमारे मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, मणिपुर। तो कहाँ के चावल को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी मणिपुर। तो आइए जानें इनके बारे में। तो जो चाखाओ है इसको जीआई टैग जो है प्रदान करने के लिए हाक चाखाओ उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाखाओ एक सुगंधित और चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में जो है सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष विशेष रूप की जा सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है तथा इन दावतों में चाखाओ की जो खीर बनाई जाती है और चाखाओ का जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व अस्थमा दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे अप्रैल महीने के पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को, जून महीने के पहले सोमवार को या मार्च महीने के पहले सोमवार को। तो राइट आंसर हमारा बी मई महीने के पहले मंगलवार को। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए जानें अब इसके बारे में। तो विश्व अस्थमा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष के मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है विश्व भर के लोगों को अस्थमा की जो बीमारी होती है जिसे दमा के नाम से भी जाना जाता है के बारे में लोगों को जागरूक करना है। और इसे सबसे पहले 1998 में जो है मनाया गया था जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने किया था। और अस्थमा के मरीज को सांस लेने में जो है इससे जो है दिक्कत होती है और बहुत ही जल्दी उसकी जो है सांस फूल जाती है, खांसी आती है। वैसे यह जो बीमारी है किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन हाल के वर्षों की बात की जाए तो यह जो बच्चों में जो है ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार जो प्रदान किया गया है? ऑप्शन हमारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की या आईआईटी बॉम्बे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। तो जाइए आइए अब इनके बारे में जानते हैं। तो जो आईआईटी बॉम्बे है इसके प्रोफेसर जो सौरभ लोढ़ा जी हैं उनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार जो प्रदान किया गया और यंग कैरियर अवार्ड जो है इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा स्थापित किया गया है। और उन्हें इस पुरस्कार से दो आयामी वेंडेर और वॉल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों के अतीत में तर्कसंगत ट्रांजिस्टर और प्रौद्योगिकी के विकास में उनके अहम योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।